नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को स्वदेशी हेल्थ की तरफ से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दिवाली तो हम हर साल मनाते हैं, तो क्यों न इस दिवाली को इस बार स्वास्थ्यवर्धक दिवाली के रूप में मनाएं। इसीलिए मैं इस वीडियो में कुछ हेल्थ टिप्स दूंगा जिससे आप दिवाली में स्वास्थ्य लाभ कर सकते हैं। दिवाली में हम अपने घर की तो सफाई करते ही हैं, क्यों न इस दिवाली अपने शरीर के अंदर जमे मैल को भी साफ करें। दिवाली का त्यौहार हमारे देश में धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि यह त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाता है। हम इसे रोगों पर स्वास्थ्य की जीत के रूप में मनाएंगे। सर्वप्रथम यह जानते हैं कि दिवाली का त्यौहार क्यों मनाते हैं। हमारे देश में हर त्यौहार के पीछे स्वास्थ्य का गहरा संबंध जुड़ा है। दिवाली का त्यौहार मनाने का कारण हमारे स्वास्थ्य से भी जुड़ा है, क्योंकि दिवाली का त्यौहार दो ऋतुओं के बीच में आता है, अर्थात दिवाली के समय शरद ऋतु खत्म हो जाती है तथा हेमंत ऋतु शुरू हो जाती। इन दो ऋतुओं में शरद ऋतु की गर्मी कम होने लगती है तथा हेमंत ऋतु की सर्दी बढ़ने लगती है, जिससे हमारे शरीर के अंदर वात पित्त कफ असंतुलित हो जाता है। और इसी असंतुलन को संतुलित करने के लिए दिवाली में तरह तरह के पकवान खाए जाते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ आदतें जिसे अपना कर हम इस दिवाली में स्वास्थ्य लाभ कर सकते हैं। दिवाली के समय हर तरफ हमें मिठाइयाँ देखने को मिलती है, तो आप कोशिश करें कि घर पर ही बनी हुई मिठाइयों का सेवन करें। मिठाइयों को बेसन, ड्राई फ्रूट्स, तिल, चना, नारियल, गाय के देसी घी, मिश्री, गुड़ से ही बनाएं। आप दिवाली में पार्टी में ज़्यादा ना खाएं। पार्टी में सलाद का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें, वह खाने को अच्छे से चबा चबा कर खाएं। दिवाली में एल्कोहल से दूर रहें और फ्रूट जूस का सेवन करें। और इस दिवाली में आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर योगाभ्यास और प्राणायाम की भी आदत डालें। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे स्वदेशी हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। वंस अगेन हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू।